आते तो मैं देखता हूं कि नितिन गडकरी साहब को भी कहीं से इशारा मिल गया है। उन्होंने भी दो चार बातें ऐसी करी हैं तभी जुबान में, वो भी आने वाले समय को भाप जाते हैं। और जिस प्रकार दो सीट वाली पार्टी जनता दल है बिहार में, उसको 17 सीटें दी है बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए, दबाव इसलिए आया। मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, हमने 3 सीट हराई है इसलिए उनको 17 सीट मिली है। शायद 2 सांसद हैं और उनको 17 सीटों पर लड़ने का नाता भाजपा ने दिया है। आज से 1 साल पहले मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी सहयोगी दल को इतनी सारी सीटें देती, तो नीतीश जी को तो कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए कि 3 राज्यों में हमने हराया और फायदा वो ले रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में समझ लीजिएगा, देश की जनता ने चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे अर्थव्यवस्था में बेहाली हो, इन सब के जवाब जनता प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप अगर भ्रष्टाचार की बात करते हो, और आपने सपने भाषण सुने राहुल जी के, और जिस प्रकार से बौखलाहट आज भाजपा में मैं महसूस करता हूं, वो समझ गए हैं कि जो पार्टी ये कहती है, अमित शाह जी कहते थे अगला चुनाव जिता दो 50 साल तक राज करेंगे, ये मानसिकता है। 5 साल के लिए आप चुने गए थे, अपने वादों पे खरा नहीं उतरे हैं तो लोग आपकी विदाई भी करेंगे, और उस विदाई में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, ये आग्रह आपको बस याद में करता हूँ।